नमस्कार, मैं मीना बोधरा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। फिल्म बाहुबली तो यकीनन सभी ने देखी होगी। इस फिल्म के शानदार लोकेशन, जिसमें खूबसूरत नज़ारे, जंगल, पहाड़, नदियों और झरनों को दिखाया गया है, हूबहू ऐसा ही एक झरना है, हांदावाड़ा झरना। यह छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के अंतर्गत हांदावाड़ा ग्राम में स्थित है। नारायणपुर से इसकी दूरी लगभग 120 किलोमीटर है और दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 60 किलोमीटर है तथा बारसूर से इसकी दूरी 30 किलोमीटर है। घने जंगलों की वजह से गूगल मैप यहाँ काम नहीं करता और आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए लोकल गाइड की मदद से ही यहाँ आए। साथ ही रास्ते पगडंडियों जैसे होने की वजह से, जगह जगह छोटी नदी नाले होने की वजह से टू व्हीलर ही यूज़ करें। कंफर्टेबल कपड़े पहने, शूज पहने, खाने पीने के सामान अपने साथ रखें। अगर आप फोर व्हीलर से इस जगह पर आए तो ध्यान रखें उसकी ग्राउंड क्लियरेंस अधिक हो, ताकि इन दुर्गम रास्तों को आसानी से पार कर सकें। बारिश में झरने तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। रास्ते अभी बने नहीं हैं, इसलिए बारिश में रास्ते कच्चे होने की वजह से फिसलन भरे और कीचड़ भरे होते हैं। इसलिए यहां आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक के बीच का है। टिकट लेने के बाद लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर 2 से 2.5 किलोमीटर आपको पैदल जाना है। आप पैदल चलने के आदी हैं या ट्रैकिंग का शौक रखते हैं या नेचर लवर हैं तो यह रास्ता आपको आसान लगेगा। घने जंगलों के बीच फिर से छोटी पगडंडियों पर चलते हुए, छोटी नहरों को पार करते हुए आप हांदावाड़ा जलप्रपात पहुंचेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण इसे गोयदेर नाला कहते हैं। लगभग 500 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ यह हांदावाड़ा जलप्रपात बनाता है। ऊपर आसमान की नीली छतरी, सूरज की सुनहरी किरणें, ये सब मिलकर इस जलप्रपात को अत्यंत खूबसूरत बनाती है। जल नीचे तक पहुंचने पर अलग अलग स्तरों पर जलप्रपात बनाता है। आसपास घने जंगलों में पक्षियों की चहचहाहट और झरने के बहाव की आवाज गूंजती है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण यह जगह किसी का भी मन मोह लेती है। 2 से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद इसे देख सारी थकान दूर हो जाती है।